रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मौजे में एक घर में बाजमात नमाज अदा करने वाले अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा अब वापस ले लिया गया है। बताया जाता है कि तहकीकात के दौरान इल्जाम साबित नहीं हुए, जिसके बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया। वादे रहे कि सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस मामले पर सवाल उठाया था, जिसके बाद ये मुकदमा खारिज कर दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर कहा कि उम्मीद है कि यूपी पुलिस हुजूम के दबाव में गैर कानूनी FIR दर्ज करना बंद कर देगी। सर, मुरादाबाद के छजलेट थाना इलाके में एक गांव में सामूहिक नमाज को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि जो जानकारी मिली है वो सही नहीं पाई गई है, तो क्या मुकदमा एक्सपंज हो गया है? ग्राम दुल्लेपुर में गांव वासियों द्वारा प्रमुख चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की, और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में CO साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच होगी, गहनता से जांच कर रहा ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं, और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, इसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधि कार्रवाई पुलिस द्वारा।